सुप्रीम कोर्ट ने पिता की अपनी कमाई संपत्तियों में बेटियों के अधिकार को लेकर गुरुवार को एक बड़ा फैसला दिया। देश की शीर्ष अदालत ने हिंदू परिवार की बेटियों को उस स्थिति में अपने भाइयों या किसी अन्य परिजन के मुकाबले पिता की संपत्ति में ज्यादा हकदार बताया, जब पिता ने कोई वसीयतनामा नहीं बनाया हो और उनकी मृत्यु हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील पर आया है, जो हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत हिंदू महिलाओं और विधवाओं को संपत्ति अधिकारों से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि बिना वसीयत के मृत हिंदू पुरुष की बेटियां पिता की स्व अर्जित और अन्य संपत्ति पाने की हकदार होंगी और उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा वरीयता होगी। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि हिंदू पुरुष ने वसीयत नहीं बनाई हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे विरासत में प्राप्त संपत्ति और खुद की अर्जित संपत्ति दोनों में उसके बेटों और बेटियों को बराबर का हक होगा। कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मिताक्षरा कानून में सहभागिता और उत्तरजीविता की अवधारणा के तहत हिंदू पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा सिर्फ पुत्रों में होगा और अगर पुत्र नहीं हो तो संयुक्त परिवार के पुरुषों के बीच होगा। ये बात मिताक्षरा कानून के अंतर्गत आती है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। अब फिर से बात सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश की। सबसे बड़ी बात यह है कि नया फैसला बैक डेट से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उसका यह आदेश उन बेटियों के लिए भी लागू होगा जिनके पिता की मृत्यु साल 1965 से पहले हो गई है। दरअसल साल 1965 में ही हिंदू पर्सनल लॉ के तहत हिंदू उत्तराधिकार कानून बनाया गया था, जिसके तहत हिंदू परिवारों में संपत्तियों के बंटवारे का कानूनी ढंग ढांचा तैयार हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से 1965 से पहले संपत्ति के बंटवारे को लेकर उन विवादों को हवा मिल सकती है जिसमें पिता की संपत्तियों में बेटियों को हिस्सेदारी नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ताजा आदेश में एक और स्थिति स्पष्ट की है। जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने अपने 51 पत्रों के आदेश में इस सवाल का भी जवाब दिया कि अगर पिता बिना वसीयतनामे के मर जाए तो संपत्ति की उत्तराधिकारी बेटी अपने आप हो जाएगी या फिर उत्तरजीविता की अवधारणा के तहत उसके चचेरे भाई को यह अधिकार प्राप्त होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले में पिता की खुद की अर्जित की गई संपत्ति इकलौती बेटी को ही मिलेगी, क्योंकि यहां विरासत और उत्तराधिकार का कानून लागू होगा ना कि उत्तरजीविता का। भले ही पिता तब संयुक्त परिवार में रह रहे हों और उनके मरने से पहले कोई वसीयत नाम नहीं बनाया हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी महिला के लिए संपत्ति का अधिकार उसकी जिंदगी तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। अगर उसने अपनी जिंदगी में वसीयत नामा बना दिया हो तो उसकी मृत्यु के बाद वसीयत नामे के आधार पर उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार सौंपा जाएगा, यानी उसने वसीयत नामे में जिसे जिस हिस्से में अपनी संपत्ति देने की इच्छा जताई हो उसके बीच उसी हिसाब से संपत्ति का बंटवारा होगा। अगर महिला की मृत्यु बिना वसीयत नामे के हो जाती है तो उसके माता पिता से प्राप्त संपत्ति उसके माता पिता के उत्तराधिकारियों के पास चली जाएगी और पति या ससुर से प्राप्त संपत्ति पति के उत्तराधिकारियों के पास चली जाएगी। कोर्ट ने कहा हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 15(2) का मूल मकसद यही है कि अगर कोई हिंदू महिला बिना वसीयत बनाए मर जाती है तो उसकी संपत्ति अपने स्रोत यानी जहां से वो प्राप्त हुई है उन्हीं के पास लौट जाती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।